बात शुरू करने से पहले अक्सर ऑर्गेनाइजर्स को शुक्रिया किया जाता है, लेकिन मैं अपनी नाराजगी जाहिर करूंगा क्योंकि मुझे मैम की बात बोलने का मौका मिला। अब मैं क्या ही बोलूं, अब मेरे शायद ये समझ से मुश्किल है। होना ये चाहिए था कि मैं कुछ गलतियां करता और उसके बाद मैम उसको सही कर देती। खैर, अब बोलना तो है ही जब इतनी दूर से आए हैं। तो असल में मैम ने एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया कि किस तरह से एक लार्जर लेवल पे पॉलिसीज़ की शुरुआत हुई और वो आज आकर हमारे ये जो शोशा है, जिसको मैं शोशा बोलता हूँ, सो कॉल्ड शोशा ऑटोनॉमी का, हमारे एजुकेशन सिस्टम पर किस तरह से अटैक करेगा। असल में साथियों, अगर हमें इस ऑटोनॉमी को समझना है तो मैं ये कहूँगा कि TISS एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके थ्रू हम इस ऑटोनॉमी के जितने भी ये बुरे दिन लाने वाला है ये ऑटोनॉमी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये ऑटोनॉमी हमें दी किस बात की जा रही है? असल में ये एक मेरा संगी दोस्त है, वो कहने लगा तुम आज़ादी मांगते थे, हमने तुम्हारे इंस्टीट्यूट को आज़ादी दे दी, अब जो आपको करना है कर लो। आपके यूनिवर्सिटीज से ये आवाज़ निकलती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, तो ये ऑटोनॉमी आपके इंस्टीट्यूट को दे दी। लेकिन ये इन्होंने दी किस बात की कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाओ? ये किस बात की ऑटोनॉमी दी कि हम रिजर्वेशन? असल में मैं इसको सोशल जस्टिस के प्रस्पेक्टिव में देखता हूँ, क्योंकि जो ताकतें अभी सरकार में हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है, वो चेक कर रहे हैं कौन कौन से वेरियस वेज हो सकते हैं जिससे हम रिजर्वेशन को और अफर्मेटिव एक्शन को ख़त्म कर सकें। चाहे वो यूनिट बनाना हो डिपार्टमेंट को, चाहे वो ऑटोनॉमी हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली रिजर्वेशन पर शायद अटैक नहीं कर सकते, और इनका पूरा जो मेन मोटिव है कहीं ना कहीं उन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे लिए प्रोविजंस हैं अफर्मेटिव एक्शन के, चाहे वो रिजर्वेशन के थ्रू या हो, उनको अटैक करना है। तो जब हम ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे तो कुछ सवाल जो है वो वाजिब है जो गवर्नमेंट से हम पूछना चाहते हैं। आपने हमें कहा कि ऑटोनॉमी है आपको कोर्सेस शुरू करने की, आपने कहा बाहर से फैकल्टी लाने की, तो लेकिन आप जब हमें ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो इस बात की भी ऑटोनॉमी दीजिए कि हमें कोई लीडरशिप जब चुननी होगी अपनी, तो वो कोई JNU जैसा, JNU के VC जैसा कोई हमारे ऊपर नहीं वाजिब कर दिया जाएगा। हमें लीडरशिप की भी ऑटोनॉमी दीजिए और आप हमें फंड्स की भी ऑटोनॉमी दीजिए, तब ये जाके एट पार होंगी चीज़ें। आप सिर्फ अगर ऑटोनॉमी इस बात की देने पे तुले हैं कि हम एक तरफा चीज़ें करते रहेंगे तो मार्केट को कैटर करने की बात है ये। तो जब हम किसी से फंड लेंगे अपने इंस्टीट्यूट को शुरू करने के लिए, अगर मार्केट हम पे फंड देगा तो वो वही चीज़ तो चाहेगा कि हम उनकी जो नीड्स हैं हम रोबोट्स पैदा करें, फिर सोशल साइंस एजुकेशन तो ख़त्म ही हो जाएगी। अगर अंबानी पैसा लगाएगा किसी यूनिवर्सिटी में तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि हम सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वाले बन जाएं, वो तो ये चाहेगा कि उनकी जो नीड्स हैं। असल में ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम था उसमें भी कहीं ना कहीं इस तरह का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वो बनाना चाहते थे कि जो उनका कॉलोनियल सिस्टम है उसको वो कैटर करे। तो अब जो प्राइवेटाइजेशन और जो एंटी रिजर्वेशन या जो एंटी सोशल जस्टिस इनका एजेंडा है, ये उसकी तरफ हमको खींचना चाह रहे हैं। हम ऑटोनॉमी चाहते थे इस बात की कि हम तुम्हारी मनुवादी ताकतों के खिलाफ रिसर्च कर तुम लोगों को गलत साबित कर सकें। हम ऑटोनॉमी चाहते थे इस बात की कि JNU जैसे VC जो हमारे ऊपर वाजिब किया गया उसको हम यहाँ से निकाल दें। हम ऑटोनॉमी चाहते थे इस बात की कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना इंक्लूसिव हो जाए कि आखिरी जो तबके पर, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सेक्शन है जिसको हमेशा हमेशा से एजुकेशन से दूर रखा गया, उसको हम अपनी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हम उन तक एजुकेशन पहुंचा दें। लेकिन आपने हमें बदले में क्या दिया? आपने हमें बदले में ये दिया कि आप बाहर से फैकल्टीज बुला लीजिए। आपने हमें बदले में क्या दिया कि आप जितनी फीस चाहें उसको ले लीजिए, ताकि कि जो गरीब तबका है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, वो हमेशा हमेशा एजुकेशन से दूर रहे। तो ये सारे सवालात हैं, ये सारे सवालात हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ। इस चीज़ को पूरा समझने के लिए कहीं ना कहीं जो अभी डिबेट हमारे पूरे हिंदुस्तान में छिड़ी है, जो मैम ने कहा कि यूनिवर्सिटी से एक होप है, वो यूनिवर्सिटी से होप इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस अगर अब कहीं से हो सकती है तो वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आ सकती है, लेकिन वो तब तक नहीं आएगी जब तक हम अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में बांटे रखेंगे। एक अच्छी चीज़ मुझे RSS और फासिस्ट की ये लगती है कि वो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे ला देते हैं। ये एक अच्छी चीज़ जो RSS की लगती है, क्यों?
क्योंकि अगर ऐसी ताकतें आएंगी तभी हमें यकीन होगा कि अभी जो हमारे छोटे छोटे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं उनको भुला के एक प्लेटफॉर्म पे आना है। तो साथियों मैं बात कर रहा था कि अगर इस ऑटोनॉमी को समझना है तो हमें TISS को समझना होगा। असल में TISS एक पब्लिक फंडेड डीम यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके पास पहले से ऑटोनॉमी थी अपने नए नए कोर्सेज खोलने की, जो पिछले दस सालों में हमारे एक एक्स डायरेक्टर माननीय परशुरमन साहब ने किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्निंग बोर्ड है हमारा एक, जिसको टाटा ट्रस्ट चलाता है, शायद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जरूर इस बात के लिए बना था कि मार्जिनल सेक्शंस को हमें एडुकेशन पहुंचानी है, लेकिन पिछले 10 सालों में वो पूरी तरह भटक गया। और वो भटका कैसा है, इस ऑटोनॉमी के बहकावे में ही भटका। जब उनको ऑटोनॉमी दी गई नई कोर्सेज खोलने की, तो हुआ क्या, उन्होंने अपने हिसाब से नए नए कोर्सेज खोले और अपने हिसाब से उसका फीस स्ट्रक्चर बनाया। आपको जान के आश्चर्य होगा, फुल्ली फंडेड डीम यूनिवर्सिटी होने के बाद भी हमारे सोशल वर्क के कोर्सेज के 76,000 रुपीस पर सेमेस्टर की फीस है। 76,000 रुपीस पर सेमेस्टर एक एमए हमें सोशल वर्क पढ़ने के लिए देना पड़ रही है। ये रिजल्ट था उसी ऑटोनॉमी का जो अब JNU, AMU और BHU को दी जा रही है। ये रिजल्ट उसी पॉलिसीज का था। और जब ये ऑटोनॉमी हमारे इंस्टीट्यूट को मिली डीम यूनिवर्सिटी होने की वजह से, तो हुआ क्या, हम हल्के हल्के पिछड़ते गए रिजर्वेशन को अपने कैंपस में इम्प्लीमेंट कराने के लिए। एक छोटा सा डेटा है हमारे पास, छोटा सा डेटा ये है कि जब 2015 में OBC स्टूडेंट्स हमारे 28% थे, लेकिन 2017 और 18 आते आते वो सिर्फ 17% रह गए। तो ये ऑटोनॉमी क्या करेगी, ये ऑटोनॉमी हमारे, क्योंकि ये कहेंगे कि इतनी हमने फीस बढ़ा दी, हमारे पास पूरी ताकत है, और फिर जब हम UGC और MHRD के पास जाएंगे तो वो ये कहेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, हमने उनको ऑटोनॉमी दी थी, उन्होंने बढ़ाई, हम कुछ नहीं कर सकते। कल ये हमारे साथ हुआ, हम तीन साथी माननीय प्रकाश जावड़कर जी से मिले, हमने उनसे कहा कि देखिए ये सारे हमारे इश्यूज़ हैं और हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन पूरा नहीं हो पाएगा अगर इसी तरह से चीज़ें होंगी। उन्होंने साफ कह दिया आपके इंस्टीट्यूट का, ये आपका इंस्टीट्यूट सही कर सकता है और हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वही चक्रव्यूह है जो आज JNU में कुछ भी होता था तो हम कहीं ना कहीं अपने पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू जो हमारे वेलफिशर्स थे उनकी तरह हम गवर्नमेंट का कॉलर पकड़ने की कोशिश किया करते थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये कॉलर हमारे हाथों से निकल रहा है, ये कॉलर हमारे हाथों से निकलेगा इस ऑटोनॉमी के नाम पे, क्योंकि जब जब हम इनका कॉलर पकड़ने की कोशिश करेंगे वी कांट डू एनीथिंग। हमने आपको ऑटोनॉमी दी है, उन्होंने अपने आप बढ़ाई, उन्होंने तो हमसे पूछा भी नहीं, क्योंकि हमें उन्होंने खुद ये कह दिया कि आप अपने आप बढ़ाओ, हमसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस चक्रव्यूह को समझने के लिए कहीं ना कहीं ये सारे केसेस को हमें केस स्टडीज करनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी चीज़ें अच्छे से पुट फॉरवर्ड कर सकें हिंदुस्तान के सामने, उस सेक्शन के सामने जो इस हिंदुस्तान की डेमोग्राफी को बदल सकता है। मैम ने भी इस बात को कहा कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ जब मिल जाते हैं तो वो 80% और 85% इस देश के हो जाते हैं। तो हमें अब लेक्चर्स के थ्रू नहीं, हमें गली कूचों में निकलना होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि विपक्ष क्या है हमें नहीं पता, अपोजिशन का कोई रोल निभाने वाला अब नहीं है, ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस बात को बोलते हैं कि हम पढ़ाई इस बात की करेंगे ताकि हम समाज को बदल सकें। अगर हमारे ये नारे हैं तो समाज को बदलने के लिए हमें अब एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, वरना सच में अब हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए और हमारे सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए इतने बुरे दिन आने वाले हैं कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और हम सरप्राइज भी नहीं हैं, जो लोग मैम जैसे और जो मैम के ऑर्गेनाइजेशन थे ये विजनरीज थे, इनको पता था ये चीज़ होनी है, इसलिए मैं इसलिए नहीं मानता अपने आप को सरप्राइज, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये चेक होता है, जैसे हम माइक चेक कर रहे थे ना, हेलो चेक, तो ये डिफरेंट पॉलिसीज से चेक करते हैं, ये नॉक करते हैं, अच्छा SC ST में जो एक्ट है एट्रोसिटी एक्ट है, अगर उसमें कुछ करते हैं गड़बड़ तो कितना एग्रेशन लोगों में निकलता है, अच्छा हम ऑटोनॉमी देने के नाम पे करते हैं तो कितना एग्रेशन निकलता है। तो ये एग्रेशन कुछ लोगों को लगता है कि JNU ऐसा कैंपस बन गया है बस यहाँ पर सिर्फ एजिटेशन होते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि जो मोदी जी इनके पापा बैठे हैं वो इस आवाज़ से डरते हैं, वो सच में डरते हैं, उनको मालूम है अगर यहाँ से कोई आवाज़ बैठेगी तो जो JNU के डिफरेंट एलुमनाइज हैं उनके थ्रू और डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उन तक ये बात पहुँचेगी, और जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये मेरा अपना मानना है। तो इस चीज़ को देखना होगा और एक लड़ाई अब शुरू करनी होगी, क्योंकि अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबने हमने इतने सारे सीरीज ऑफ आर्टिकल्स चले कि ये ऑटोनॉमी किस तरह से हमें बर्बाद कर देगी। हमारा TISS का प्रोटेस्ट पिछले 45 दिनों से इसी बात का है कि आप किस तरह से हमें एश्योर करेंगे कि आप इतनी फीस के साथ आप
आप एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स को आप कैंपस के अंदर एंटर करा देंगे? हमें कोई आंसर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये आंसर चाहिए कि जिसके फादर की इनकम 20,000 रुपये सालाना है, वो 76,000 रुपये सेमेस्टर की फीस कैसे पे करेगा? आप हमें आंसर दे दीजिए और आप हमें अश्योर कर दीजिए ऐसे देगा। वी आर कॉलिंग ऑफ ईच एंड एवरी प्रोटेस्ट। आप हमें कैसे इंश्योर करेंगे? फिर आप यही होगा कि आप प्रकाश जावड़ेकर जी के पास जाएंगे, वो आप पे दे वर शाउटिंग ऑन अस। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम क्या करें? आपके इंस्टीट्यूट ने बढ़ाई है फीस, आपके इंस्टीट्यूट के पास ऑटोनॉमी थी फीस बढ़ाने की, इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो साथियों, ये चीज़ जो टिस के साथ हो रही है, ये कल जेएनयू के साथ भी हो रही है। फिर ये जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी का जो सो कॉल्ड स्टेटस है, वो पूरी तरह से बर्बाद और ख़त्म करने के कगार पे है। और अगर ये ख़त्म हो गया तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जो लोग सपना देखते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में आने का, उनके सपनों पे कितनी बड़ी चोट पड़ेगी, क्योंकि उनको तो शाखाओं में भी नहीं घुसने देंगे। एक दलित को तो शाखा में भी घुसने की पढ़ने की इजाज़त नहीं देंगे, ये उसको दूर बैठा देंगे। तो कौन आवाज़ इनकी उठाएगा? इनकी आवाज़ अगर कोई बन सकता है तो आज इस देश का यूथ बन सकता है, आप बन सकते हैं। और जेएनयू, सच में जेएनयू अगर उनकी आवाज़ उठाएगा तो मुझे लगता है और हम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हम जितने भी कैंपसेस हैं, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं। लेकिन लड़ाई जो है बिल्कुल अब आर पार की होनी चाहिए। एक माहौल बन रहा है, सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, बस कोशिश ये करनी है कि हम जो, क्योंकि मैं बार बार एक सवाल पूछता हूँ अपने आप से भी और दूसरों से भी, अगर हमारे जो भी डिफरेंसेस हैं, क्या वो हमें आरएसएस से लड़ने के लिए रोक सकते हैं? चाहे वो अम्बेडकराइट स्टूडेंट्स यूनियंस हो, चाहे वो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हो, क्या जब लड़ाई करने की आएगी इस फांसीवादी ताकतों के खिलाफ, तो क्या हमें वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रोकेंगे? नहीं रोकेंगे। तो बार बार इस बात की है कि ज़रूरत यह है कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं, वरना इस तरह की पॉलिसीज और आएंगी। हो सकता है कि इलेक्शन आने वाला है तो ये अभी टेस्ट इनका 2-3 हो गए हैं, ये अभी नई पॉलिसीज ना लाएं, लेकिन जो मेजर चीज़ थी, क्योंकि एडुकेशन ही एक ऐसा तरीका था जो इन सेक्शंस का अपलिफ्टमेंट कर सकता था, एडुकेशन ही एक ऐसा तरीका था जो हमें आगे की राह दिखा सकता था, एडुकेशन ही एक ऐसा तरीका था जो इस बात का अश्योरेंस कर सकता था कि आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बदलेगी, आने वाली पीढ़ियों को उस तरह का उत्पीड़न नहीं देखना पड़ेगा जो हमारी हज़ारों साल से पीढ़ियाँ झेल रही थी। लेकिन अगर ये यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे बंद हो गए तो आप यकीन कीजिए कि वो हज़ारों साल पहले जिस तरह का कास्ट सिस्टम था वो फिर से एग्जिस्ट करने लगेगा। हम सवाल नहीं उठाएंगे, एजुकेशन हमें इस बात की आज़ादी देता है, वो क्रिटिकल माइंड, असल में ये चाहते नहीं है कि हम लोगों का क्रिटिकल माइंड डेवलप हो, क्योंकि जो दबे कुचले हैं अगर उनका क्रिटिकल माइंड जिस दिन डेवलप हो गया और वो 80% एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो ये 10-15% जो ताकत है वो कहाँ बचेंगी? हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी, पॉलिसी मेकर्स चेंज हो जाएंगे। फिर पॉलिसीज उनके हिसाब से नहीं बनेंगी नागपुर वालों के हिसाब से, फिर पॉलिसीज उस हिसाब से बनेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन अगर ये दरवाजे बंद हो गए, और इन्होंने अभी ये पहला चेक किया है, पहला हथौड़ा मारा है, अगर हमने बहुत ज़ोर से आवाज़ उठा दी, जितनी ज़ोर से इन्होंने ऑटोनॉमी चीखा है, हम इतनी दुगनी ज़ोर से अगर ये चीख दें हमें ये नहीं चाहिए, तो ये लोग सब कुछ पॉलिटिक्स के अराउंड करते हैं। इनकी हर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अराउंड होती है। अगर हम लोगों ने इस बात की ताकत दिखा दी तो इनको मजबूर होना पड़ेगा। और ये वक्त बहुत अच्छा है, ये वक्त इसलिए अच्छा है क्योंकि टीआईएसएस अभी हमारे देश में 2014 के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स मूवमेंट्स हुए, चाहे वो जेएनयू का हो, चाहे वो एचसीयू का हो, चाहे वो आईएफटीआई का हो, लेकिन उन सारे इंस्टीट्यूट जितने भी मूवमेंट्स हुए, गवर्नमेंट ने इंटरवीन नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मगरूरियत इतनी थी, एक ऐसी मगरूरियत थी जो इनका नशा नहीं उतरा था। लेकिन मुझको लगता है आते 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 थोड़ा नशा शायद कम हुआ है, कि जो टीआईएसएस के स्टूडेंट मुंबई में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर डायरेक्टली यूजीसी ने इंटरवीन करने की कोशिश की और एक कमेटी बनाई। क्यों? इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इसलिए कि अब इलेक्शंस करीब आने वाले हैं। तो अभी हम इनके ही बैटल में इनको खेलने की ज़रूरत है, और वो इनके बैटल में हम तभी खेल सकते हैं जब इनके माइंडसेट को पढ़ के इन्हीं के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम चैलेंज करें और एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें कि इसके खिलाफ तो ये तो हमें चाहिए चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये फिर हमें उसी तरफ लेके जा रहा है जहाँ से हम
बड़ी मुश्किलात के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवालात, अगर हम हर, अब हमें कहीं ना कहीं जितने भी डिस्कशंस हमारे कैंटीन पे हो रहे हैं, जितने भी डिस्कशंस अब फ्रेंड्स से हमारे व्हाट्सएप्स पे हो रहे हैं, जितने भी डिस्कशन हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, क्यों ना हम कुछ वक्त के लिए कन्फाइंड कर दें कि सिर्फ इस एडुकेशन के मुद्दे पे बात करेंगे। अभी कोई और बात करनी ही नहीं है। सलमान खान 100 साल के लिए जल चला है, वी डोंट इवन केयर अबाउट इट। हमें उस चीज़ों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लोग समझने वाले हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं किसी वजह से, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो तो कल कह सकते हैं कि हाँ हमें नहीं पता था। अरे हमें क्यों नहीं बताया तुमने आके, अगर तुमको पता था। तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ गई, और अगर ये जिम्मेदारी बढ़ गई है तो इसको निभाने की कहीं ना कहीं कोशिश और शुरुआत भी होनी चाहिए, और वो शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक हम कहीं ना कहीं बटे रहेंगे चीज़ों के अंदर। क्योंकि अगर इन्होंने ये सारे, मतलब कभी कभी इतना, मतलब अपने आप से सवाल पूछता हूँ, मुझे लगता है ये कैसे हो, कैसे रहा है, ये कैसे कर सकते हैं इतना, मतलब पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज के साथ कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, लगता है कैसे पॉसिबल है, ऐसे डिसीजन ये ले कैसे लेते हैं। ना इन्होंने पार्लियामेंट को कंसर्न किया, जो कि मैम ने बता रही थी कि पार्लियामेंट ने, हमारे एक्ट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट एक्ट है, उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई इतनी इतनी हम पब्लिक फंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको सेल्फ फाइनेंस की और प्राइवेटाइजेशन की आग में झोंक रहे हैं विदाउट इवन कंसर्निंग पार्लियामेंट। वैसे तो ये पार्लियामेंट में जाते तो भी हो सक, मतलब कहीं ना कहीं पास करा लेते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन कहीं ना कहीं जब डिस्कशन और डिबेट होता तो हम लोगों से भी रिक्वेस्ट करते, तो उस डिबेट से इनको डाउन करने की कोशिश करते। तो ये सारी चीज़ें ये शायद इसलिए ले रहे हैं कि शायद लोगों अवेयरनेस नहीं है। और अच्छा, इन्होंने हमें, एक शादियों में रिवाज होता है कि उल्टे सीधे तोहफे जो है वो बहुत अच्छी अच्छी पैकिंग्स में दिए जाते हैं, इन्होंने इतनी अच्छी गलत, जो है गलत चीज़ हमको इतनी अच्छी पैकेजिंग करके दी है कि अरे ऑटोनॉमी दे रहे हैं, अब आप खुद अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, आप खुद इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से आपके कोर्सेज शुरू होंगे। अरे चाचा, हम कोर्सेज शुरू कर देंगे, ये तो बता दीजिए क्या पैसे नागपुर से आएंगे। या मोदी जी के, नीरव मोदी उनके भाई या फिर अडानी जी हमें पैसे देंगे, अरे कोर्सेज क्या, आप हमसे कह दीजिए आज आप हमें पैसा तो दीजिए, हम इतने इतने अच्छे कोर्सेज शुरू कर देंगे, और वो सारे कोर्सेज ऐसे होंगे जो इस बात को प्रूफ करेगी कि दुनिया में सबसे बड़ा आतंकी संगठन है तो आरएसएस है, वो इस बात को प्रूफ करेगी। और हम हवाबाजी में प्रूफ नहीं करेंगे, एम्पेरिकल एविडेंस देंगे, अच्छे अच्छे नैरेटिव देंगे। आप आज़ादी दे रहे हैं तो अच्छी वाली आज़ादी दीजिए ना। अगर आप चाहते हैं कि कोर्सेज शुरू हो, आइए, हमारे पास बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, मैम हैं हमारे, बहुत बहुत अच्छे प्रोफेसर्स हैं, हम अच्छे अच्छे कोर्सेज शुरू करेंगे, आप इंश्योर तो कीजिए कि हम ये फंड दे रहे हैं। और लीडरशिप भी हम ही डिसाइड करेंगे, हमें जेएनयू जैसा वाइस चांसलर नहीं चाहिए। आप फिर पैसे भी दे देंगे और फैकल्टीज भी दे देंगे, लेकिन लीडरशिप ऐसी दे देंगे जो कुछ करने नहीं देगी, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो ये सवाल बार 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 जब हम पूछेंगे तो ये सोसाइटी तक पहुँचेंगे, क्योंकि मास से अगर कनेक्ट हम नहीं हुए, अगर हम बातें अपने सिर्फ आइलैंड्स में करते रहे, तो रिजल्ट्स क्या होंगे। हम लोगों को पता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो लोग आए हैं, मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग है, सबको पता है ये ऑटोनॉमी किस तरह बर्बाद करेगा इंस्टीट्यूशन को। अगर उस बीत को बार 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 रिट्रीट करेंगे तो आप भी पक जाओगे, कहोगे क्या यार ये तो पता था कि पैसे नहीं मिलेंगे, लीडरशिप का इशूज़ है, क्या बता रहे हो, नया कुछ बताओ। तो नया सिर्फ ये बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस क्लास से बिलोंग करते हैं, उस इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं, कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ें होनी है। लेकिन यहाँ से आंदोलन शुरुआत ज़रूर की जा सकती है, और वो अपने आप को मास से दूर करके नहीं होगा। हमें मास से कनेक्ट करना होगा, हमें उन लोगों को बताना होगा जिन तक ये बात नहीं पहुँच पाई है। अगर हम, वैसे तो वैकेशंस तो लंबी चली रही हैं, सारे आपका लॉकेट्स हैं, सारे ब्लॉकेट्स हैं, लेकिन हम जब जाएँ, हम अपने घरों में जा रहे हैं, हम अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो बात करना भी, काफ़ी लोग अपने नैरेटिव्स बताते हैं, वो ये बोलते हैं कि अब तो फैमिलीज़ में भी बात करना इतना मुश्किल हो गया है कि पापा जो हैं इतने कर रहे मोदी भक्त हैं और मैं जो हूँ उसका एंटी बोल रहा हूँ, तो घर में ही क्राइसिस हो जाते हैं। तो बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं अब बात ही नहीं करनी इस इशू पर, लेकिन हमें नहीं हारना, हमें उनको हराना है कि वो हमसे वो बात करना बंद कर दें,
हम अपने अपने घर वालों से, हम अपने अगर फ्रेंड्स के पास जा रहे हैं उनसे ये बात बार बार सवाल पूछें। अच्छा आप बताइए, हमारा जो हमारे घर पे जो काम करने वाली है उसका बेटा अगर एडुकेशन लेना चाहता है तो वो कैसे लेगा? ये ऐसी बात करना है ना, वो तो मोदी की बात करने की जरूरत नहीं, इतनी जरूरत ही नहीं है हमें, सिर्फ ये हाँ एग्जैक्टली हम सिर्फ उनसे केसेस पूछें। अच्छा ये बताइए, जो हमारे यहाँ इस तरह से जो हमारे हजारों साल से जो हमारे घरों में झाड़ू पोछा लगा रहे थे, आज उनके बच्चे अगर एडुकेशन के लिए JNU जैसी जगह जाना चाह रहे थे, अब उसकी फीस इतनी अगर आप वो बढ़ा देंगे तो वो कैसे एडुकेशन में जाएंगे? खुद अपने लोग हम लोग कैसे देंगे, हम लोग भी नहीं दे पाएंगे। एग्जैक्टली जाहिर सी बात है, लेकिन मैं और उन दबे कुचले समाज की बात कर रहा हूँ। जैसे जो सोच रहे हैं ना उसको कहेंगे, उनको छोड़ मारो गोली, लेकिन आप कैसे दोगे, हम कैसे दोगे, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हम लोग कोई नहीं पढ़ पाए। अपने मैं अपने पापा से पूछूं कि आप ये बताइए, अगर मेरे पास JRF नहीं होता तो ये 76,000 फीस कहाँ से जमा करते? तो ये सारे सवाल जब शुरू होंगे, क्योंकि उनको आप नहीं समझ सकते, अरे मार्क्स ने ये कहा था, अम्बेडकर ने ये कहा था, जो लोग नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उन्होंने कुछ गलत कहा था, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उन तक कनेक्ट होने के लिए उनकी लैंग्वेज में बात करना पड़ेगी। वो कहेंगे ठीक है उन्होंने कहा था, तो वो कह के चले गए, अब हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस चीज़ को सोचें, अगर आज हम रूम पे जाएं तो इस बात पे रिफ्लेक्ट करें कि कैसे उन मासेस से कनेक्ट करना है जो इनको हरा सकती है। और आने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आने वाले सालों में अगर कांग्रेस आ गई तो वो बड़ी प्रो है और वो सारी चीज़ें, लेकिन जब हम इनको हरा देंगे तो वो डरेंगे, वो ये बात सोचेंगे अरे जब इन्होंने इनको हरा दिया तो भाई नबारी हमारी भी आ सकती है, और इस तरह से ठोकम ठाकी मत करो, बार बार चेक एंड आउट ना करो। तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए सिर्फ इस बात को कहूँगा, खासतौर से उन ताकतों से जो चाहती हैं कि एडुकेशन सिस्टम बंद हो जाए मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, क्योंकि भूख अगर सबसे बड़ी है तो वो एडुकेशन की, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे? हर घर से निकलेगा इस बात की आवाज़ लेके कि मुझे एडुकेशन चाहिए, हर घर का बच्चा इस बात की आवाज़ को लेके निकलेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे शिक्षा का अधिकार चाहिए। अगर तुम सो कॉल्ड इस बात को कहते हो कि हम पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं तो मेरी आवाज़ बताओ कि मैं वहाँ कैसे पढ़ूँ, तो हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे, तुम JNU के स्टूडेंट्स पे कितने अटैक करोगे, तुम JNU के स्टूडेंट्स पे कितनी वाटर से फायरिंग कराओगे, तुम कितनी लाठी चार्ज कराओगे। इन्हीं सारे सवालों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। और